दूं तो ये जो DRL है ये रन नहीं हो रही है अभी तक, तो यहाँ पर ऑन नहीं है। ओके, मे भी हो सकता है सॉफ्टवेयर में अपडेट में इसको दे दिया जाए। इंडिकेटर सेम प्लेसमेंट में, ड्यूल सस्पेंशन यहाँ पे कंटिन्यू दिए गए जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल कर आ रहे हैं भाई साहब। तो अब अलॉय व्हील नहीं मिलते, यहाँ पे आपको स्टील रिम दी गई है। ओके, पैनल गैप है ना ये बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है भाई, यहाँ पे मेरा दिल थोड़ा नाराज़ हो गया। ओला को ये कंप्लेंट मेरी रहेगी भाई कि यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट कर देना था, यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव किया है लेकिन पैनल गैप्स अभी भी है। स्टिल जो आपको चूचा की साउंड आती थी वगैरह वगैरह वो शायद देखने मिलेगी, बाकी यहाँ का हब बहुत कम हो गया है। और अगर आप लोगों को अभी जो भी स्कूल वाले लड़के हैं या एक सिलेंडर वगैरह अगर आपको लाना है तो एवरेज बता दूँ बहुत बढ़िया स्पेस निकल कर आता है। साथ ही में स्पीकर की प्लेसमेंट बहुत सही है, इसका स्पेस भी अब डीप हो गया है भाई, जो हमारे अंदर बहुत कम था, फोन उछल कर आता था। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने मिल रहा है बट इसके ऊपर कैप नहीं है भाई साहब, कैप मिसिंग है यार। कॉस्ट कटिंग अगेन ओला, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिव्यू में बात हुई थी, वाकई में इसकी सीट क्वालिटी बहुत थर्ड क्लास है भाई साहब, वाकई में जो मैं देख पा रहा हूँ आप भी देखिए, पूरी 3 उंगलियाँ मेरी अंदर जा चुकी है भाई साहब। ओके, ये जो सीट क्वालिटी है मुझे ठीक नहीं लगी।